केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तराखंड से देश की नई हेली नीति की घोषणा की। देश में हेली सेवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस नीति में 10 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस किया है। आपातकालीन हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा के लिए देश में 3 एक्सप्रेस वे विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा 4 शहरों में हेली हब बनाए जाएंगे। अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सियासी गुणा भाग कर अभी से पूरी ताकत झोंक दी गई है। एक निजी चैनल के सर्वे के मुताबिक यूपी, उत्तराखंड और गोवा में फिर से भाजपा की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं, जबकि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर के आसार हैं। देहरादून में पहली बार पेट्रोल ने शतक पूरा कर लिया है। शनिवार को दून में पेट्रोल के दाम 100 रुपए 19 पैसे रहे, वहीं डीजल के दाम भी अब शतक के करीब हैं। डीजल के दाम 93 रुपए 51 पैसे हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने आम लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल 105 रुपए से ऊपर पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार को जीएसटी में राज्य को हो रहे नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने मांग की कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को 2022 के बाद भी जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग केंद्र के सामने राज्य की स्थिति रखे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी शामिल किया जाए। पिथौरागढ़ से डीडी हाट को जिला अलग करने की मांग को लेकर 1 अक्टूबर से आमरण अनशन में बैठे ग्रामीणों को आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मध्यस्थता करने कोई नहीं पहुंचा। इस बात को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। इस आंदोलन में महिलाएं और आशा वर्कर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। बीते दिनों आंदोलनकारियों को प्रशासन द्वारा मेडिकल का हवाला देकर अनशन से जबरदस्ती उठाया गया। बिना खाए हुए यहाँ पर 10 दिन से आमरण अनशन चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक हमारी सोई हुई है। हम इसको निकम्मी सरकार नहीं कह सकते, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर हैं, लेकिन हम इसको सोई हुई सरकार जरूर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, जहाँ 25 सालों से हमारी जनता भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए आ रही है, और उसके बाद यहाँ पर 10वां दिन आमरण अनशन हुआ है, यहाँ पर सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आता है। सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। जिस प्रकार से हम राज्य आंदोलनकारी राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और राज्य लेकर रहा, उसी तरह हम ये जिला आंदोलन में जिले के लिए आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए हमें 1 महीना 2 महीना जितना भी समय हो, हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराखंड शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के 12वीं के 100 टॉपर छात्र छात्राओं को 5 साल तक हर महीने 2500 रुपए देने की तैयारी कर रहा है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए उन्हें ये धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 21 सितंबर को हुई बैठक का शासन ने इसका कार्यवृत्त जारी किया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सुझाव दिया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 12वीं के 100 टॉपर छात्रों को अगले 5 साल तक 2500 रुपए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए दिए जाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शनिवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। जनरल वीके सिंह सुबह 11:40 पर हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने करीब 15 मिनट तक बद्रीनाथ धाम की पूजा अर्चना में प्रतिभाग किया। इसके बाद देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीडी सिंह और धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल से उन्होंने चारधाम यात्रा की जानकारी ली। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर पर शुक्रवार को दूसरा नोटिस चस्पा होने के बाद मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू शनिवार को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पर्यवेक्षण समिति के सामने पेश हुआ। देर रात 10 बजे तक 12 घंटे की पूछताछ के बाद जांच टीम ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया। DIG उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि आशीष को जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तार किया गया है। पिथौरागढ़ जिले के कनाली छेना ब्लॉक का हड़खोला गांव पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों पहले इसी गांव में जन्मे पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने थे और अब इसी गांव के भूपेंद्र सिंह धामी कर्नल बन चुके हैं। सेना में कर्नल बनने के बाद पहली बार गांव में आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं डीडीहाट विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार किशन भंडारी ने भी शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नज़ारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का इनालिए हम हैं K24।